नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर एक से। सवाल नंबर एक, वह कौन सा पक्षी है जो पानी और दूध को अलग कर सकता है? सही जवाब है हंस। हंस एक ऐसा पक्षी है जो पानी और दूध को अलग कर सकता है। सवाल नंबर दो, वह कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है? सही जवाब है चीन देश। चीन देश में सबसे ज़्यादा मीट खाया जाता है। सवाल नंबर तीन, किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं? सही जवाब है त्रिपुरा राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। सवाल नंबर चार, संसार का सबसे बड़ा केचुआ कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 12 फुट का होता है। सवाल नंबर पाँच, वह कौन सा बैग है जो सिर्फ भीगने पर ही काम आता है? सही जवाब है टी बैग। टी बैग सिर्फ भीगने पर ही काम आता है। सवाल नंबर छः, भारत के किस राज्य के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं? सही जवाब है केरल राज्य के लोग भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। सवाल नंबर सात, ऐसी क्या चीज़ है जो टूट जाने के बाद ही आपके काम आती है? सही जवाब है मोबाइल की सिम। सवाल नंबर आठ, वह कौन है जिसकी चार टांगे होने पर भी चल नहीं सकती है? सही जवाब है चारपाई। चार टांग होने के बावजूद भी नहीं चल सकती है। सवाल नंबर नौ, मेंढक पानी में बिना सांस लिए कितनी देर तक रुक सकता है? सही जवाब है लगभग 18 मिनट तक। सवाल नंबर दस, किस जानवर का पसीना गुलाबी निकलता है? सही जवाब है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े का पसीना गुलाबी निकलता है। सवाल नंबर 11, वह कौन सा प्राणी है जो आंखें बंद करके भी देख सकता है? सही जवाब है ऊँट। ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो आंख बंद करने के बाद भी देख सकता है। सवाल नंबर 12, किस देश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। सवाल नंबर 13, भारत में सबसे सुंदर इमारत का नाम क्या है? सही जवाब है ताजमहल। ताजमहल भारत की सबसे ज़्यादा सुंदर इमारत है। सवाल नंबर 14, भारत में पहली बार कब और किसके साथ क्रिकेट खेला गया था? सही जवाब है अंग्रेजों के द्वारा सन 1933 में क्रिकेट खेला गया था। सवाल नंबर 15, बच्चे किस महीने में कम रोते हैं वह हंसते हैं? सही जवाब है फरवरी में बच्चे कम रोते हैं, हंसते ज़्यादा हैं। सवाल नंबर 16, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है?
सही जवाब है इंडिया गजट, जो कि 1780 में लॉन्च किया गया था। सवाल नंबर 17, राजीव गांधी के पिताजी का नाम क्या था? सही जवाब है फिरोज गांधी। राजीव गांधी के पिताजी का नाम फिरोज गांधी था। सवाल नंबर 18 है, ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने पर मनुष्य केवल हंसता ही रहता है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद मनुष्य हमेशा हंसता ही रहता है। सवाल नंबर 19, सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती हैं? सही जवाब है 8 मिनट वाट सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। सवाल नंबर 20, ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर छिलका नहीं, काटो तो बीज नहीं? सही जवाब है शहतूत का फल, इसके ऊपर छिलका नहीं होता है, काटने पर बीज नहीं निकलता है। सवाल नंबर 21, विश्व का वह कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? सही जवाब है नेपाल देश। नेपाल देश आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। सवाल नंबर 22, भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक दिनों तक किस टॉकीज में और कहां पर चली? तो सही जवाब है शोले, मिनर्वा टॉकीज मुंबई में सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म है। सवाल नंबर 23, कौन सा पक्षी है जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है और कहाँ पाया जाता है? सही जवाब है हरियल पक्षी, जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सवाल नंबर 24, विश्व का सबसे बातूनी पक्षी कौन सा है? सही जवाब है परडून नाम का भूरे रंग का नर तोता, जो सबसे ज़्यादा बातूनी पक्षी होता है। सवाल नंबर 25, भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? सही जवाब है पन्ना, मध्य प्रदेश में भारत में हीरे की खान है। सवाल नंबर 26, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? सही जवाब है 2792 भाषाएं, विश्व में 2792 भाषाएं बोली जाती हैं। सवाल नंबर 27, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब है मैडर टेरेसा। मैडर टेरेसा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। सवाल नंबर 28, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? सही जवाब है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में स्थित है। सवाल नंबर 29, भारत में महलों का शहर कौन सा है और उसकी स्थापना किसने की? सही जवाब है कोलकाता, जाबकार नाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सवाल नंबर 30, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सही जवाब है गंगा, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। सवाल नंबर 31, 31, भारत में संसद में एक भी दिन ना जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी संसद में नहीं गए थे। सवाल नंबर 32, वह कौन सा देश है जिसके चार नाम हैं?
तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल नंबर 33। एक लड़की जापान में रहती है, उसकी उम्र 30 साल है और उसकी माँ की उम्र 27 साल है, बताओ ये कैसे संभव है? तो इसका सही जवाब है हाँ, ये संभव है क्योंकि वह उसकी सौतेली माँ है।